ये स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोना की बदलती सूरत-ए-हाल के सबब और शिद्दत को देखते हुए जो तमाम तालीमी इदारे हैं पंजाब में वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है और 12 सितंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अब बहुत से तलबा इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या इम्तहानात भी मौखर हुए हैं, क्योंकि 9th क्लास के तलबा के इम्तहानात जो कंडक्ट हो रहे हैं तो उस हवाले से तलबा का जो एक अंदेशा है कि इम्तहानात भी कैंसिल हो सकते हैं। तो इस हवाले से हम आपको वजाहत करते चलें कि डी स्टूडेंट्स, आपके इम्तहानात इस बार किसी भी सूरत पर मौखर नहीं होंगे ना कैंसिल होंगे। इम्तहानात 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के और 11वीं क्लास के तमाम तीनों क्लासों के इम्तहानात कंडक्ट करवा लिए गए हैं और 9th क्लास के भी मेरा ख्याल है कोई 2-3 पेपर बकाए रह गए हैं। तो आप तमाम तलबा को भी वजाहत रहे, आप तमाम तलबा को इस हवाले से क्लियरेंस रहे कि आपके जो पेपर हैं वो कंडक्ट होकर ही रहेंगे, आपके पेपर बिल्कुल भी मौखर नहीं हुए। हाल बता कराची में इंटरमीडिएट के पेपर्स हो रहे थे, जो कि आज हफ्ते के दिन का पेपर था, वो ज़रूर मौखर हुआ। उसकी वजह कोरोना नहीं थी, उसकी वजह थी वहाँ पर मौसमी सूरत हाल, क्योंकि कराची में जो बारिशों का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है और उस वजह से मौसमी सूरत हाल को देखते हुए वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी जानब से जो मुतलका इदारे हैं उन इदारों की जो छुट्टियाँ हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं और जो आज का पेपर था तलबा का इंटरमीडिएट का वो भी मौखर कर दिया गया है, वो भी दोबारा उनका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। जब लेकिन उनका सिर्फ आज का पेपर कैंसिल हुआ है, बकाया नहीं हुए। और जो पंजाब के तमाम 9th क्लास के बोर्ड के तलबा हैं जिनके इम्तहानात बोर्ड की जानब से कंडक्ट हो रहे हैं वो किसी भी सूरत में मौखर या कैंसिल नहीं हुए। आपके जो इम्तहानात कंडक्ट हो रहे हैं वो शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे, इम्तहानात किसी भी सूरत मौखर नहीं होंगे। आप तमाम तलबा को वजाहत रहे, आप तमाम तलबा इस हवाले से किसी भी सूरत में सोचना पड़े कि आपके इम्तहानात मौखर हो गए हैं या इम्तहानात आपके बाद में कंडक्ट किए जाएंगे। इम्तहानात आपके बताए गए शेड्यूल के मुताबिक कंडक्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे। अलबत्ता तालीमी इदारों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को 12 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से और महकमा हायर एजुकेशन की जानब से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन उसमें वजाहत ये भी है कि इम्तहानात जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक कंडक्ट होते रहेंगे, इम्तहानात किसी भी सूरत में डिले नहीं होंगे। सिर्फ सिंध में आज का पेपर डिले हुआ है, वो भी बारिश की वजह से, वहाँ पर मौसमी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है इस वजह से। और आप तमाम तलबा के लिए बेस्ट विशेज, उम्मीद करते हैं आपकी अच्छी तैयारी होगी, आप अपने इम्तहानात की भरपूर अंदाज से तैयारी जारी रखे हुए होंगे, इम्तहानात बेहतरीन अंदाज से आप परफॉर्म करके पास होंगे, क्योंकि आपके इम्तहानात भी सिर्फ इख्तियारी मजामीन के कंडक्ट होने हैं और साथ मैथमेटिक्स का पेपर होगा। आपके इम्तहानात के मुतालिक तालीम के हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लाते रहेंगे। तालीम की खबरों से आप आगाह रहने के लिए हर लम्हा देखते रहिए इल्म की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।